भाई जी बताओ। एक माता हमारे यहाँ मुरली सुनने आती है रोज। हाँ। उनका लड़का साइकिल पे लेके आता है। हाँ। वो लड़का शराब पीता है। वो गेट तक छोड़ जाता है। माता जी मुरली सुन के फिर जाती है, फिर बैठा के ले जाता है। हाँ। तो वो सेवा करता है, पैसा लेती है उनसे। हाँ। माता जी से पैसा जब देगा तभी वो शराब पिएगा। नहीं, उसके पास पैसे नहीं, किसका उपाय क्या? देखिए माता जी का दोष है, वो बेटा माता जी की सेवा करता है, माता जी उसकी सेवा नहीं करती है। खैरो, माता जी की सेवा करने ना बेटा छोड़ने आता है, लेने भी आता है, तो माता जी ने उसके लिए क्या किया? तो उपाय बताया, बेटे को शराब छोड़ो नहीं बोलना है, बेटा आप मेरी सेवा करो, मैं आपको शराब पिलाऊंगी, है ना, ला के कपाट में रख दो, फ्रिज में रख दो, घर में रख दो, और उसके साथ एक कोको कोला के बॉटल में रख दो। तो पहले दिन फुल शराब पिलाना, दूसरे दिन थोड़ा सा शराब कोको कोला डालना, तीसरे दिन और थोड़ा डालना, ऐसे अपने हाथ से पिलाते पिलाते उसकी आदत को चेंज कर सकती है। संभव है बाबूजी, संभव है। तो माता जी से कहेंगे भाई, तो फिर आपको उनको भी राय बताना पड़ेगा ना, माता जी अपने आप शराब छोड़े नहीं हो सकता, क्योंकि आदत बनी, उस आदत को मिटाने के लिए धीरे धीरे अभ्यास, एकदम कट नहीं सकता, धीरे अभ्यास से आदत को परिवर्तन कर। हाँ, परेशान है तो उसकी निवारण भी है। माता जी आप उनको बोलो, पैसे आप देते हो और आपको मैं ला के देती हूँ, आपको आप बाहर से नहीं ले लो, अपने हाथ से पिलाओ, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा और कुछ डालते डालते धीरे धीरे उसके आदत को, जो टेस्ट है मुंह का, उसको चेंज कर, है ना। और रोज कहो बेटा बाहर जाते हो, इधर आके बैठो, दो मिनट बैठो, दीदी को बोलना दीदी आप इसको रोज एक टोरी खिलाओ, उसका हरि के द्वार तक आ जाए। भाई साहब गेट के अंदर नहीं प्रवेश करता। हाँ, अंदर आता नहीं है, लेकिन लेके आराम कर, दीदी उसको कहना बेटा एक मिनट आओ, दीदी के पास मिलके जाओ, माता जी का तो सुनेगा, इतना से आधा तो करता है और आधा करेंगे, माता जी के पास भी पावर छे, मेरे बेटे को ठीक कर, और माँ गुरु ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, है ना। तो माँ के पास भी ऐसा शक्ति है, वो यूज करना चाहिए, है ना। उसको कहते शुभाम, ये मेरा बेटा मुझे ठीक करता है, क्योंकि वो तो अच्छा ज्ञान सुनती है, आज नहीं तो कल भगवान के घर में अंधेर नहीं,